मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के बीच कोरोना एक बार फिर से भयभीत करने लगा है। मार्च के बाद अप्रैल और मई में कोरोना से मौतों को लेकर राहत रही, वहीं मई की तुलना में जून में कोरोना से मौतें 86% तक बढ़ गई हैं। जून में करीब 1878 लोग संक्रमित हुए, 55 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस दौरान 7 लोगों की जान चली गई। चिंताजनक बात यह है कि अब उम्रदराज लोगों के लिए संक्रमण से जान जाने का खतरा बढ़ रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने थर्ड वेव के बाद केस कम होने पर कोविड के प्रतिबंधों को खत्म कर दिया था। ऐसे में वैक्सीनेशन करा चुके लोग घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इससे अब घर के नौजवान ही कैरियर के तौर पर संक्रमण घर के बुजुर्गों तक पहुंचा रहे हैं। नतीजा, संक्रमण के कारण उम्रदराज और दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले एक महीने में संक्रमित मिले मरीजों में से 186 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाया था। 44 पॉजिटिव ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक डोज लगा था, तो वहीं अब मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप को भी गंभीर खतरा बढ़ता जा रहा है। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के बीच कोरोना एक बार फिर से भयभीत करने लगा है। मार्च के बाद अप्रैल और मई में कोरोना से मौतों को लेकर राहत रही, वहीं मई की तुलना में जून में कोरोना से मौतें 86% तक बढ़ गई हैं। जून में करीब 1878 लोग संक्रमित हुए, 55 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस दौरान 7 लोगों की जान चली गई। चिंताजनक बात यह है कि अब उम्रदराज लोगों के लिए संक्रमण से जान जाने का खतरा बढ़ रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने थर्ड वेव के बाद केस कम होने पर कोविड के प्रतिबंधों को खत्म कर दिया था। ऐसे में वैक्सीनेशन करा चुके लोग घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इससे अब घर के नौजवान ही कैरियर के तौर पर संक्रमण घर के बुजुर्गों तक पहुंचा रहे हैं। नतीजा, संक्रमण के कारण उम्रदराज और दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले एक महीने में संक्रमित मिले मरीजों में से 186 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगवाया था। 44 पॉजिटिव ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक डोज लगा था, तो वहीं अब मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप को भी गंभीर खतरा बढ़ता जा रहा है। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।